केकेआर के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई मुंबई इंडियंस की टीम एक और मुकाबले में शिकस्त मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले गए आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 12 साल बाद जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आप भी कोलकाता की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी हार्दिक के ही पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले में कोलकाता की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही नुवान तुसारा ने फिलिप सेल्ट को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेज दिया। फिलिप सेल्ट 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज अंग क्रिस रघुवंशी उतरे तो उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार मैक्सिमम देखने को मिला। इस बार 60 मीटर दूर उन्होंने गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन तभी दोस्तों, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना कैच सूर्य कुमार यादव को थमा बैठे और दूसरा झटका यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लगा। अंग क्रिस रघुवंशी इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान सरेश अय्यर भी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन सीधे वो भी टीम डेविड को अपना कैच थमा बैठे और एक और झटका यहां पर लग गया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को और शुरुआती 3 ओवर में ही 3 विकेट खो दिए। यहां पर कप्तान 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो इसके बाद पांचवा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से बैकवर्ड स्कर्ले के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसकी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी की और सुनील नारायण को बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया। नारायण भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पांचवे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका हार्दिक पांड्या की गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला और इस ओवर में 2 चौके जड़कर उन्होंने अच्छी शुरुआत कर दी, या यूं कहें तो उनकी पारी की अच्छी शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों, छठे ओवर की पांचवी गेंद पर एक शानदार चौका नमनदीर की गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भी लगाया। यहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, सातवें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को कॉटिन बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। रिंकू 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आज के इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे मनीष पांडे ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भी शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद गर्लेट कोइजे जब 12वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया वेंकटेश अय्यर ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल की बल्लेबाजी दिखाई इस ओवर में। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 39 गेंदों पर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो गई। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह जब 14वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर मनीष पांडे ने एक शानदार चौका लगाया और गेंद फाइन लेग की तरफ चौके के लिए गई। तो वहीं पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर अपरकट के जरिए उन्होंने एक और शानदार मैक्सिमम जड़ दिया थर्ड मैन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 16वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का
मनीष पांडे के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले पर गेंद सीधे आई नहीं और सीधे गई डिवॉल्ड ब्रेविस के हाथ में और यहाँ पर मनीष पांडे पेवेलियन लौटे जिन्होंने 31 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही गेंद को बाहर जाने दिया और एक और छक्का जड़ दिया उन्होंने। इसके बाद हार्दिक के ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला और हार्दिक के इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद बाकी थी जिस पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर वेंकटेश अय्यर, लेकिन इस पर रन लेना चाहते थे आंद्रे रसल, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया वेंकटेश अय्यर ने और आखिरकार आंद्रे रसल रन आउट होकर पेवेलियन लौट गए। रन आउट हुए तो वो 2 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की 4थी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रमनदीप को भी यहाँ पर कैच कराकर ग्रेलाइट कोएजे के हाथों पेवेलियन भेजा जिन्होंने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार को भी बोल्ड कर दिया जिन्होंने 2 गेंदों पर 0 पर ही पेवेलियन लौटे। इसके बाद 19वें ओवर की 4थी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से एक और शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला नुआन तुसारा की गेंद पर, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार थर्डमैन की रिवर स्वीप शॉट के जरिए चौका झाड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर को भी बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और पूरी टीम को 19.5 ओवर में ही 169 रनों पर ऑल आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर ने 70 रनों की पारी खेली और यहां पर 170 रनों का ही लक्ष्य मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से शुरुआत करने उतरे रोहित और ईशान किशन। तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ किशन के बल्ले से देखने को मिला। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को 86 मीटर दूर स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर शानदार वापसी की स्टार्क ने और बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया ईशान किशन को और बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी। ईशान किशन 7 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर पेवेलियन। तो वहीं पर इसके बाद नमन धीर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक अद्भुत शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर को वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपना कैच मनीष पांडे को थमा बैठे और यहाँ पर पेवेलियन भेज दिया उनको सुनील नारायण ने और बड़ी सफलता मिल गई यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों सूर्य ने एक चौका यहाँ पर जरूर लगाया 9वें ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन इसी ओवर में शानदार वापसी की वरुण चक्रवर्ती ने और ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर तिलक वर्मा को भी सुनील नारायण के हाथों कैच करा कर पेवेलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर मिल गई। यानी कि दोस्तों 9वें ओवर में ही 61 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए मुंबई ने। इसके बाद दोस्तों मुंबई इंडियंस ने निहाल वदेरा के रूप में 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और विकेट गंवाया। सुनील नारायण ने उनको बोल्ड करके पेवेलियन भेजा। वदेरा इस मुकाबले में 11 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आए और गए। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने उनको भी मनीष पांडे के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेजा और यहाँ पर बात करें हार्दिक की तो वो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 4थी गेंद पर आंद्रे रसल की गेंद को छक्के के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर सुनील नारायण के ओवर में भी स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका सुनील नारायण की गेंद पर लगाया सूर्य ने। तो इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव अरोरा की गेंद को सूर्य ने शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा शॉट थर्ड की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार का कवर के ऊपर से देखने को मिला। यह फ्री हिट गेंद थी जिसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य के बल्ले से निकले एक और चौके के साथ ही यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से अकेले यहां पर लड़ते रहे। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका निकला और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 20 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद मुकाबला थोड़ी देर के लिए मुंबई की तरफ पलटा,
लेकिन तब भी 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने सूर्य कुमार यादव को फ्लिप सेल्ट के हाथों कैच करा कर पेवलियन भेजा और बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहाँ पर केकेआर को सूर्य 35 गेंदों पर 56 रन बनाकर पेवलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर गर्लेट कोर्जे के बल्ले से एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला जो कि एक काफ़ी शानदार शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए स्टार्क की पहली गेंद पर बैकवर्स गर्लेट के ऊपर से एक शानदार छक्का यहाँ पर जड़ने में कामयाब हुए टिम डेविड। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने कमाल की वापसी की और अगली ही गेंद पर यहाँ पर टिम डेविड एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर वो अपना कैच सीधा सरेस अयर को थमा बैठे और सबसे बड़ी वह महत्वपूर्ण सफलता मिल गई यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को। टिम डेविड 20 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर पीयूष चावला को भी सुनील नारायण के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेज दिया मिचेल स्टार्क ने, वो भी एक गेंद पर 0 रन ही बना पाए। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर गर्लेट कोजे को बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 रनों से शानदार जीत दर्ज की। तो जहां पर दोस्तों बात करें मिचेल स्टार्क की तो उन्होंने 33 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की। तो दोस्तों आपको ये आज का मुकाबला कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।